यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 बैंकिंग के, जो हमारा हम चैप्टर पढ़ रहे थे बैंकिंग का, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो उसके एक नए टॉपिक को अभी तक हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, अपने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, ठीक है, उसके फीचर्स क्या थे, उसके अंदर बेसिकली कंपोनेंट क्या। तो कंपोनेंट के नाम पर चार तरह के कंपोनेंट थे, जिनमें से हम लोग दो पढ़ चुके हैं। एक हम पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल मार्केट, वो हमारा कंप्लीट, और एक हम पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अपना जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है या अपना जो फाइनेंशियल सेक्टर है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली चार तरह के हमारे कंपोनेंट थे, जिनमें से दो हम पढ़ चुके हैं आज की क्लास के अंदर। बाकी ये बचे हुए दो कंपोनेंट जो है वो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम ओवरव्यू पढ़ रहे थे, तो एक बार के लिए आपको बता दूं कि फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी का, तो कि इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल पिलर है बेसिकली, ठीक है, एक इकोनॉमी को जो रन करता है वो करता है उसका फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर चार चीजें आती हैं। एक आता है, बोलो क्या क्या, जल्दी बोलो। एक आता है फाइनेंशियल मार्केट, हाँ जी, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाँ जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस में डीलिंग करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, हाँ जी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, दैट सर्विस आर नोन एज द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ओवरऑल मिलाकर के जो कंपोनेंट्स हैं आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के, वो कितने हैं, चार। ओके, हाँ जी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करेंगे थर्ड वाला हमारा कंपोनेंट, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ए पार्ट, ये एक्चुअल के अंदर ये भी क्या है, ये एक पार्ट है किसका, फाइनेंशियल सिस्टम का। जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है उसका एक पार्ट है, उसका एक कंपोनेंट है क्या, कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें डीलिंग किया जा रहा है, ठीक है, मतलब जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा जिस इंस्ट्रूमेंट्स में, जिन सिक्योरिटीज में डीलिंग की जाती है, डेट सिक्योरिटी और इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है आपका प्राइमरी सिक्योरिटीज, एक है कौन सा, सेकेंडरी। आइए पढ़ते हैं। बोलते हैं ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू ए क्लेम। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोई भी क्लेम किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और द इंस्टीट्यूशन फॉर द पेमेंट ऑफ ए सम ऑफ मनी एंड और ए पीरियोडिक पेमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है इट रेफर टू ए कोई भी एक क्लेम, क्लेम किसके अगेंस्ट, किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई क्लेम ले रहे हो, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूशन, बोले तो कोई कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम है, किस चीज का, क्या मिलेगा क्लेम के अंदर, या तो मिलेगा पेमेंट ऑफ ए सम ऑफ मनी, या तो इकट्ठा पैसा मिलेगा, लाइक डिबेंचर, मान लीजिए अगर हम डिबेंचर मान लो कंपनी ने इशू किए, तो डिबेंचर हमारे लिए क्लेम है, हम डिबेंचर हमने एक बार पेमेंट कर दिया था कंपनी को, अब वो डिबेंचर का मेरे को सर्टिफिकेट मिला, अब वो जो डिबेंचर का जो सर्टिफिकेट है वो बेसिकली मेरे लिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तरीके से काम करेगा, क्योंकि मैं उस सर्टिफिकेट के अंदर जो अमाउंट लिखी हुई है वो कंपनी से लीगली पाने के लिए क्या हूं मैं, मेरे पास राइट है वो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी एक ऐसा क्लेम किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी के खिलाफ, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, या तो मिलेगा एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी, इकट्ठा पैसा, या फिर पीरियोडिक पेमेंट मिलेगी, पीरियोडिक पेमेंट इन द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट और डिविडेंड, और पीरियोडिक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड एंड पर्टिकुलर फ्यूचर डेट, और कब मिलेगा, एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट पे। अब जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है कौन सा, प्राइमरी सिक्योरिटी, कौन सा, प्राइमरी, और एक है कौन सा, सेकेंडरी। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में, अभी के लिए बस ये ध्यान रखो, एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी जिनको बोलते हैं डायरेक्ट सिक्योरिटी। कंपनी, कोई भी कंपनी, मान लीजिए कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी, अगर वो फर्स्ट टाइम जब पब्लिक के अंदर जाकर के, या फर्स्ट टाइम जब वो कैपिटल को क्या करती है, रेज करती है, जब वो पैसा इकट्ठा करती है डायरेक्टली खुद सिक्योरिटीज को इशू करके, डेट सिक्योरिटीज आर नोन एज द डायरेक्ट सिक्योरिटीज, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट। डायरेक्ट बोले तो प्राइमरी सिक्योरिटीज आर आल्सो नोन एज द डायरेक्ट सिक्योरिटी, दीस सिक्योरिटीज आर डायरेक्टली इशूड, ये वो सिक्योरिटी है जिनको डायरेक्टली इशू किया जाता है बाय द, किसके द्वारा, अल्टीमेट बोरोवर ऑफ फंड्स के द्वारा, जो अल्टीमेट बोरोवर है फंड्स के, उनके द्वारा जो सिक्योरिटी इशू की जाती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्राइमरी सिक्योरिटी और डायरेक्ट सिक्योरिटी टू द अल्टीमेट इन्वेस्टर, बोलते इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर होल्डर एक्सेट्रा। तो पहले ये बोलो प्राइमरी सिक्योरिटी क्या, सर प्राइमरी सिक्योरिटी कोई भी कैसी सिक्योरिटी, पहली बात तो प्राइमरी सिक्योरिटी का एक और नाम क्या, डायरेक्ट सिक्योरिटी, और प्राइमरी सिक्योरिटी वो है जो डायरेक्टली इशू की जाती है किसको, अल्टीमेट बोरोवर को, मतलब जिससे आप एक पैसा रेज कर रहे हो उसको जब आप सिक्योरिटी इशू करते हो। कोई भी कंपनी जब शेयर्स के तौर पे पैसा रेज करती है मार्केट से, तो कंपनी के द्वारा जो शेयर्स इशू किया गया, डेट शेयर्स आर नोन
थोड़ा सा डायरेक्ट सिक्योरिटी, क्योंकि शेयर इशू किया शेयर होल्डर को, डायरेक्टली शेयर होल्डर से पैसा लिया किसने, कंपनी ने, तो उन सिक्योरिटी को बोलते हैं आप लोग क्या प्राइमरी सिक्योरिटी, या उसी को बोलते हैं हम लोग क्या डायरेक्ट सिक्योरिटी। एक होता है कौन सा सेकेंडरी, बोले तो सेकेंडरी सिक्योरिटी आर नोन एज द इनडायरेक्ट सिक्योरिटी, दी सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, इन सिक्योरिटी को ट्रेड किया जाता है बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, लाइक हमारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई है, हमारे ब्रोकर्स फर्म्स हो गई हैं, तो उनके द्वारा जो सिक्योरिटीज को बेसिकली इशू किया जाता है पैसा रेज करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या सेकेंडरी सिक्योरिटी। पढ़ेंगे, बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी आर नोन एज द इनडायरेक्ट सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी को एक और नाम से पुकारते हैं क्या इनडायरेक्ट सिक्योरिटी। अल्टीमेटली ये भी पैसा रेज करने के लिए इशू की गई है, बट ये इशू करने वाला बंदा जो है वो डायरेक्टली जो है वो लेंडर के पास में नहीं जाता है, ठीक है। मतलब देखो, अगर कोई कंपनी डायरेक्टली जो है वो शेयर होल्डर से पैसा रेज कर रही है प्राइमरी सिक्योरिटी, अगर कोई कंपनी जो है वो जा रही है म्यूचुअल फंड वाले पे और म्यूचुअल फंड वाला आगे शेयर होल्डर से पैसा इकट्ठा कर रहा है, तो पैसा तो अभी भी किसको मिला, कंपनी को मिला, बट डायरेक्टली ना मिलके बीच में कौन आ गया, एक इंटरमीडियरी आ गया, तो ऐसी सिक्योरिटीज को बोलते हैं आप लोग क्या सेकेंडरी सिक्योरिटी, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज। पढ़ेंगे, दी सिक्योरिटी आर ट्रेडेड बाय द, ये सिक्योरिटीज जो है इनको ट्रेड किया जाता है बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी टू द, किसको, अल्टीमेट सेवर्स, एग्जाम्पल इंश्योरेंस पॉलिसीज, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो दो तरह का हमने पढ़ लिया, एक है कौन सा प्राइमरी, एक है कौन सा सेकेंडरी। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो आपके दो तरीके के हैं। अब आएगा जी आगे आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। अब अगर बात करूंगा फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, देखो हम लोगों ने अभी तक जो है वो पढ़े थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इससे पहले अभी थर्ड वाला पढ़ा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और हम लोगों ने पढ़े थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली फाइनेंस के अंदर क्या करता है, डील करता है, ठीक है। उसके अंदर हमने दो पढ़े थे, एक था बैंकिंग बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक थे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों हमने पढ़ लिए थे। अब क्वेश्चन यहां पे क्या आ रहा है कि भाई ये फाइनेंशियल सर्विसेज क्या, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, दोबारा से सुनना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मैं दोबारा बोलता हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो सर्विसेज रेंडर की जाती हैं उनको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखा है, एक बार के लिए आपको बताऊं फाइनेंशियल सर्विस क्या। फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट और सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस को डिफाइन करेंगे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा सामान या कोई भी ऐसी सर्विस जो ऑफर की है किसने, उस इंस्टीट्यूशन ने, लाइक बैंक्स ऑफ द वेरियस काइंड, फॉर किसके लिए किए, फॉर द फैसिलिटेशन, सहायता प्रोवाइड करने के लिए, ऑफ किसको, वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटी इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। तो बोलते हैं जी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, तो बोलते हैं अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो फाइनेंशियल सर्विस को डिफाइन करेंगे कोई भी एक ऐसी सर्विस, दोबारा से बोलता हूं, कोई भी एक ऐसी सर्विस जो ऑफर की जाती है किसके द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, लाइक बैंक हो गया, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा क्यों की जा रही है, फॉर द फैसिलिटेशन, किस किस के लिए, फैसिलिटेशन के लिए, फैसिलिटेशन मतलब सहायता प्रोवाइड करने के लिए, चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए, ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बहुत सारी अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं, उन ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि ट्रांजेक्शन जो है वो बिना किसी रुकावट के की जा सके, उसके लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ताकि सब काम स्मूथली चलता रहे, और कौन कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहा है, तो ऐसी सर्विसेज को बोलते हैं आप लोग क्या फाइनेंशियल सर्विसेज। दोबारा से पढ़ते हैं, फाइनेंशियल सर्विस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट और सर्विस विच आर ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, हु इज द इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लाइक बैंक्स ऑफ द वेरियस काइंड, फोर क्यों की जा रही है, फैसिलिटेशन ऑफ द किसका, वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटी इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। तो वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो सर्विसेज रेंडर की जाती है, डेट सर्विसेज आर नोन एज द फाइनेंशियल सर्विसेज, लाइक आपका लोन का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, एक्सेट्रा। ओके, चलो पढ़ते हैं, बोलता है फाइनेंशियल सर्विस रेफर टू द इकोनॉमिक सर्विस, ये कोई भी इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, इकोनॉमिक का मतलब जिनका मेन उद्देश्य जो है वो क्या, वो है पैसा कमाना, क्या करना, पैसा कमाना। तो ये ऐसा नहीं है कि नोट फॉर प्रॉफिट के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, ये हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है। तो इकोनॉमिक सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो पैसा कमाने के लिए होती है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए होती है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंटर करते हैं, ये सारी वो सर्विस है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। तो बोलता है फाइनेंशियल सर्विस रेफर टू द इकोनॉमिक सर्विस विच आर रेंडर्ड, जिनको रेंडर्ड किया जाएगा बाय द फाइनेंस इंडस्ट्री, जिसको फाइनेंस इंडस्ट्री के द्वारा क्या किया जाएगा, रेंडर किया जाएगा। द टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज मे बी एक्सप्लेन एज एनी एक्टिविटी, फाइनेंशियल सर्विस में क्या आएगा, कोई भी कैसी एक्टिविटी या बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन रिलेटेड विद द सेल ऑफ मनी दैट प्रोवाइड टू बायर एंड कंज्यूमर एंड द फाइनेंशियल रिलेटेड
वैल्यू। फाइनेंशियल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिट यूनियन। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर यहाँ पे जो आ रहे हैं वो क्या, क्रेडिट यूनियंस हो गई है, बैंक हो गए, क्रेडिट कार्ड कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, अकाउंटेंसी कंपनी हो गई, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी हो गई, स्टॉक ब्रोकरेज हो गया या इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, इनके द्वारा जो सर्विसेज रेंडर की जाती हैं डेट सर्विसेज आर नोन एज द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को स्मूथली रन करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं डेट सर्विसेज आर नोन एज द फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं उनको दो पार्ट में जो है वो क्या किया गया, डिवाइड किया गया। एक होती है आपकी फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज और एक होती है आपकी फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं दिखाता हूं पहले आपको एक बार, टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है आपका फी बेस्ड, कौन सी, फी बेस्ड, और एक है कौन सी आपकी, फंड बेस्ड। एक एक करके पढ़ेंगे उनको, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे किसको, जो फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज एंटर की जाती हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। अब ये होती क्या है, पहली बात तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज क्या, वो तो समझ में आ गया, बट ये दो तरीके की हैं, एक है कौन सी फी बेस्ड, एक है कौन सी फंड बेस्ड, तो दोनों में क्या डिफरेंस है पहले अपने को वो देखना पड़ेगा। देखो, अगर कोई सर्विसेज, ध्यान से सुनना, अगर कोई सर्विस फंड रेजिंग के लिए की जा रही है, पैसा इकट्ठा करने के लिए की जा रही है, कैपिटल को रेज करने के लिए की जा रही है, ऐसी सर्विस को बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या, फंड बेस्ड सर्विसेज। और अगर कोई सर्विस, अगर मान लो कोई बैंक है और वो किसी एक सर्विस को रेंडर करने में प्रोफेशनलिज्म उसके पास में है, ठीक है, और अगर वो उस सर्विस के बदले में कोई फीस चार्ज करता है, तो ऐसी सर्विसेज को बोलते हैं हम लोग क्या, फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे फी बेस्ड फंक्शन, फी बेस्ड फंक्शन या फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज जो रेंडर की जाती हैं ये कौन कौन सी है। तो फी बेस्ड में आएगा क्या, सबसे पहले बोलते हैं व्हेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेट इन द स्पेशलाइज फील्ड। जब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करता है, किस में ऑपरेट करता है, इन ए स्पेशलाइज फील्ड, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में वो काम कर रहा होता है, टू अर्न द इनकम, क्या करने के लिए, इनकम कमाने के लिए, इनकम इन द फॉर्म ऑफ फीस या कमीशन या ब्रोकरेज या डिविडेंड इज नोन एज अ फी बेस्ड सर्विस। तो ऐसी सर्विसेज को बोलते हैं हम लोग क्या, फी बेस्ड सर्विस। तो अगर बात करूंगा मैं फी बेस्ड सर्विस का, तो बोलो भाई फी बेस्ड सर्विस कौन सी है। सर, फी बेस्ड सर्विस कोई भी एक ऐसी सर्विस, कोई भी एक ऐसी सर्विस जिसको अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करता है किसी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में, स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर, और ये सर्विसेज क्यों परफॉर्म कर रहा है, इनकम कमाने के लिए, इनकम इन द फॉर्म ऑफ द कोई फीस हो गया, कोई कमीशन हो गया, कोई ब्रोकरेज हो गया, तो ऐसी सर्विसेज को हम बोलते हैं क्या, फी बेस्ड सर्विसेज या फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस के अंदर टोटल मिला के 11 तरह की सर्विसेज जो है वो आ रही हैं, तो उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर आ रही है कौन सा, प्रोजेक्ट काउंसलिंग। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक आपका मर्चेंट बैंकर हो गया, ठीक है, तो वो आपको जो है वो प्रोजेक्ट काउंसलिंग की सर्विसेज जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, किस में पैसा नहीं लगाना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो कितना लगाना है, कब लगाना है, ये सब सर्विसेज जो है जो प्रोवाइड की जाती हैं, ऐसी सर्विसेज को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोजेक्ट काउंसलिंग। तो प्रोजेक्ट काउंसलिंग में क्या आएगा, प्रोजेक्ट काउंसलिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लुक्रेटिव, लुक्रेटिव मतलब लाभदायक, लुक्रेटिव बोले तो लाभदायक, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस है। इट इज प्रोवाइडेड बाय मोस्ट ऑफ द मर्चेंट बैंकर। ध्यान रखना, ये जो आपके प्रोजेक्ट काउंसलिंग की सर्विस है ये बेसिकली प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा, मर्चेंट बैंकर के द्वारा। दिस सर्विस कवर ऑल सच मैटर विच आर रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। इस सर्विस में वो सारे मैटर आएंगे जो रिलेटेड है किससे, प्रोजेक्ट से, प्लानिंग से, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। अंडर दिस फंक्शन लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच कैन बी रेंडर एज फॉलो। तो प्रोजेक्ट काउंसलिंग के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज रेंडर की जाती है, उसमें सबसे पहले है प्रोजेक्ट को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। सबसे पहली सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है वो है क्या आपका, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर बेसिकली जो मर्चेंट बैंकर है वो फर्म को गाइड करता है, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट को क्या करने में, पहचानने में। इट रेफर टू गाइडेंस इन रिलेशन टू द प्रोजेक्ट वायबिलिटी, कि क्या कोई प्रोजेक्ट आपके लिए वायबल भी है, क्या आपके लिए फिजेबल भी है या नहीं है, ठीक है। इट मे बी फॉर सेटअप द न्यू यूनिट, एक्सपेंशन, इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना है तो उसके लिए पहले रिपोर्ट आपको जो है वो बनानी पड़ती है, इसके बेस पर आपको फंडिंग मिलती है किससे,
किससे फंडिंग मिलती है? बैंक से। तो बैंक वाले पहले बोलते हैं कि जी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आओ। ओके, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना, ये भी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ लाइक आपका मर्चेंट बैंकर, वो हमारे बिहाफ पे जो है वो खुद इसको बनाकर देते हैं। तो बोलते सम टाइम मर्चेंट बैंकर आर ऑल्सो एंगेज इन द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट और द मार्केट सर्वे। फिर ऑब्टेनिंग ऑफ द गवर्नमेंट अप्रूवल। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहां पे जो है वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो मर्चेंट बैंकर है वो आपसे कुछ अमाउंट लेगा, कुछ ब्रोकरेज लेगा और उसके बेस पर आपको जो है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर दे देगा। फिर कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, आपका सुटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना पैसा आपको डेट से इकट्ठा करना है, कितना पैसा आपको इक्विटी से इकट्ठा करना है, ये सब फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है कौन आपको, मर्चेंट बैंकर। फिर है टेक्नो इकोनॉमिक साउंडनेस। टेक्नो इकोनॉमिक साउंडनेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द मार्केटिंग एस्पेक्ट, इसके बारे में भी आपको नॉलेज देते हैं कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकल टर्म्स के अंदर आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, आपका एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मेंटेन करके देना, लाइक कितना पैसा आपको लॉन्ग टर्म से लेना चाहिए, कितना पैसा आपको शॉर्ट टर्म से लेना चाहिए, ये सब फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा, किसके द्वारा, बाय द मर्चेंट ब्रोकर। और ये सब किस में आती है, ये आती है प्रोजेक्ट काउंसलिंग। तो मोटा मोटी घूम के एक बात आ रही है क्या, किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आपको पैसा लगाना है, ठीक है, लगाना है या नहीं लगाना, लगाना है तो कब लगाना है, अप्रूवल लेना, कितना पैसा लगाना है, कहां कहां से पैसा इकट्ठा करना है, ये सब फैसिलिटी जो है वो आती है किसमें, प्रोजेक्ट काउंसलिंग में। तो प्रोजेक्ट काउंसलिंग का फैसिलिटी बेसिकली मर्चेंट बैंकर जो है वो क्या करता है, अपने जो कस्टमर्स हैं या अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको क्या करता है, कुछ फीस के बदले में क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, दूसरी सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है वो है कौन सा, क्रेडिट सिंडिकेशन का। क्रेडिट मतलब उधार और सिंडिकेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके। अब क्रेडिट सिंडिकेशन बेसिकली एक टर्म होती है, इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लो कोई लोन लार्ज अमाउंट का है, मान लो कोई 500 करोड़ रुपए का लोन है, अब कोई एक बैंक उसको लोन को देने में कतराएगा, तो वो क्या करते हैं, एक ना ग्रुप बनाते हैं, एक सिंडिकेट बना लेते हैं। बेसिकली क्या होगा, चार पांच बैंक मिलके इस फंडिंग को क्या करते हैं, इकट्ठा फंड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कभी ऐसा हो कि मान लो कोई अमाउंट जो है वो लार्ज अमाउंट का है, कोई लोन जो है वो लार्ज अमाउंट का है, तो उसको जो है वो एक ही बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड ना करके वो क्या करेगा, एक सिंडिकेट बना लेगा, एक ग्रुप बना लेगा और तीन चार बैंक मिल करके उस लोन को क्या कर देंगे, फंडिंग कर देंगे। इसको बोलते हैं क्रेडिट सिंडिकेशन। तो क्रेडिट सिंडिकेशन का फैसिलिटी जो है ये भी प्रोवाइड किया जाता है बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। पढ़ते हैं, बोलता है क्रेडिट सिंडिकेशन इज ऑल्सो नोन एज अ लोन सिंडिकेशन। क्रेडिट सिंडिकेशन रेफर टू द सर्विस विच आर रेंडर्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अरेंजिंग, अरेंज करके देना और प्रोसेस करना द रूपी एंड द फॉरन करेंसी लोन। रूपी लोन भी और फॉरन करेंसी, मतलब अगर आपको इंडिया से लोन चाहिए ये भी मिल जाएगा, और अगर आपको बाहर से लोन चाहिए वो भी मिल जाएगा, फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड द अदर लेंडिंग कंपनी बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट सिंडिकेशन। तो अगर आपको कभी लोन चाहिए, इंडिया से चाहिए, इंडिया के बाहर से चाहिए, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स आपके, तो ये आपको वो सर्विस भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली क्या कहता है, सम ऑफ द क्रेडिट सिंडिकेशन सर्विस ऑफर्ड बाय द मर्चेंट बैंक्स आर, नंबर वन, प्रिपेयरिंग द एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी सबमिटेड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द बैंक। सबसे पहले एप्लीकेशन बनाना, जब कभी भी आपको लोन चाहिए होता है तो सबसे पहले आप अप्लाई करते हो, तो वो एप्लीकेशन का काम जो है वो कौन करता है, आपके मर्चेंट बैंकर कर देंगे, या ये लोन सिंडिकेट जो करवा रहे हैं ना वो पर्सन कर देगा। फिर आपके लिए वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं किसको, सैंक्शन ऑफ द फंड्स व्हाइल एक्टिंग एज ए स्पेशलाइज्ड लायजन एजेंसी, जो वो लायजनिंग का काम करवाते हैं, तालमेल का काम करवाते हैं, तो मॉनिटरिंग का भी काम करते हैं। फिर नेगोशिएट भी करते हैं टर्म्स ऑफ द असिस्टेंस, कि आपको लोन कितने परसेंट पे मिलना चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी क्या करते हैं, ये नेगोशिएट करते हैं आपस में जो है वो क्या करते हैं, साठगांड करके और एक टर्म्स के ऊपर डिसाइड करते हैं, भाई इतने परसेंट के ऊपर हम आपको लोन जो है वो क्या कर देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। फिर पोस्ट सैंक्शन फॉर्मेलिटी, अगर लोन सैंक्शन हो गया तो उसके बाद की फॉर्मेलिटी जो है वो क्या है, उनको भी ये क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। फिर असिस्ट करते हैं इन द विड्रॉल ऑफ द टर्म लोन, जो आपने टर्म लोन लिया तो उसका पैसा जो है उसको विड्रॉ करवाने में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। असेसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड अरेंजिंग इट, कितना वर्किंग कैपिटल का आपको जो है वो नीड है उसको ये असेस करते हैं और फिर वो पैसा भी आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। एंड एस्टिमेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट, टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंडिचर जो किसी प्रोजेक्ट की आई है उसको एस्टिमेट करवाने में मदद करते हैं, जिसके बेस पर आपको जो है वो क्या मिलता है, लोन मिलता है। तो ये लोन सिंडिकेशन के अंदर बेसिकली बैंक के द्वारा जो है वो ये सब फैसिलिटीज जो है वो क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो आ रही है वो है कौन सा, इशू मैनेजमेंट। जब कोई कंपनी, मान लीजिए
पब्लिक के अंदर जो है वो क्या करती है, आईपीओ निकाल रही है कोई भी कंपनी, अगर पब्लिक के अंदर जो है वो आईपीओ लेके आ रही है। अब आईपीओ जब कोई कंपनी लेके आएगी तो उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, प्रोस्पेक्टस उसको लिखना पड़ेगा, उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को इशू करना पड़ता है, बहुत सारे काम है। तो ये सब फैसिलिटी भी जो है वो बीच में फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के द्वारा जो इशू मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनमें क्या क्या आता है वो पढ़ेंगे। आइए बोलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन देखो, पहले मैं क्लियर कर दूं, एक होता है बैंक जिसके पास खुद का पैसा होता है जो प्रोवाइड करवाता है, एक होता है मर्चेंट बैंकर जिसके पास खुद का पैसा नहीं होता लेकिन ये पैसा आपको अरेंज करवा के देगा, अरेंज करके नहीं देगा, खुद नहीं करेगा, किसी से करवा के देगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मर्चेंट बैंकर। तो ये भी एक फैसिलिटी है जो मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करवाता है हमको, वो है कौन सा, इशू मैनेजमेंट का। बोलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मर्चेंट बैंक इज टू मैनेज द पब्लिक इशू ऑफ द कॉर्पोरेट सिक्योरिटी लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड द डिवेंचर और बॉन्ड। इट इन्वॉल्व मार्केटिंग ऑफ द कैपिटल इशू, इसके अंदर आता है क्या, मार्केटिंग करना, मतलब आईपीओ को जो है वो मार्केट में लेके जाना, ऑफ द कैपिटल इशू ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी इंक्लूडिंग द राइट इशू एंड डाइल्यूशन ऑफ द शेयर बाय द लेटर ऑफ ऑफर। इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देना या नए शेयर होल्डर तक जो है वो शेयर्स पहुंचाना, ये सब काम आता है किसके अंदर, आपका इशू मैनेजमेंट में। अब इशू मैनेजमेंट के अंदर आपका मर्चेंट बैंकर आपको क्या क्या फैसिलिटी, बोले तो कंपनी को, वो कंपनी जो आईपीओ लेके आना चाहती है उसको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो सब लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस, खुद प्रोस्पेक्टस को क्या करेगा वो आपके बिहाफ पे प्रिपेयर करेगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ ए प्लान एंड बजट टू एस्टिमेट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द इशू, कि जो हम पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं उसका हमारा कितना खर्चा खुर्चा आएगा, कितने एक्सपेंडिचर हमारा आएगा, वो सब ये क्या करता है पहले से अनुमान लगाता है। प्रिपरेशन ऑफ द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, जो आपका कैपिटल इशू है उसको अप्लाई करना, सीसीआई को बेसिकली अप्लाई करना, ठीक है, ये सब काम भी कौन करता है आपका, इशू मैनेजमेंट वाला पर्सन करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार ब्रोकर एंड द बैंकर टू द इशू, रजिस्ट्रार को, बैंकर को और ब्रोकर को क्या करना, अपॉइंट करना, ये काम भी कौन करता है आपका, मर्चेंट बैंकर करता है। सिलेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एंड द ब्रोकर अंडरराइटर एंड द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, अगर कंपनी के लिए जरूरी है, कंपनी को लगता है कि क्या पता मार्केट के अंदर शेयर जो है सारे मेरे ना बिके, तो कई बार कंपनी क्या करती है अंडरराइटर का फैसिलिटी लेती है, तो किस अंडरराइटर को अपॉइंट करना है ये काम भी कौन करता है आपका, मर्चेंट बैंकर करता है। एडवर्टाइज करना एंड अरेंज करना पब्लिसिटी एजेंसी फॉर पोस्ट एंड द प्री इशू, एडवर्टीजमेंट करना आपका जो पब्लिक इशू है उसके बारे में क्या करना, मार्केट में एडवर्टीजमेंट करना, ये सब काम भी कौन करता है आपका, आपका मर्चेंट बैंकर करता है। सिलेक्शन ऑफ द इशू हाउस, कि आपको किस इशू हाउस के अंदर जो है वो अपने शेयर्स के शेयर को जो है वो क्या करना है बेसिकली इशू करना है, ये सब फैसिलिटीज जो है ये कौन प्रोवाइड करता है आपको, मर्चेंट बैंकर करता है। कंप्लायंस ऑफ द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, अगर आप अपने शेयर को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट करवाना चाहते हैं तो उनका ना लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर, तो उसके अंदर जो कंडीशंस लिखी गई है शेयर मार्केट की उनको भी कंप्लाई करना, ये भी अपना यही करके देगा। फिर एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर विद द अंडरराइटर ब्रोकर बैंकर ऑफ द इशू एंड द स्टॉक एक्सचेंज, एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है। एंड मर्चेंट बैंक आल्सो एडवाइस करता है कंपनीज को वेदर टू गो फॉर ए फ्रेश इशू, एडिशनल इशू, बोनस शेयर, राइट इशू और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ये मर्चेंट बैंकर ही है जो आपको ये बताता है कि आपको नए शेयर्स को इशू करना चाहिए या आपको जो है वो एग्जिस्टिंग वालों को शेयर दे देना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो ये सब फैसिलिटी बेसिकली जो है वो आपको मर्चेंट बैंकर जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है अंडर द इशू मैनेजमेंट। तो इस फैसिलिटीज को बोलते हैं हम लोग क्या, इशू मैनेजमेंट, कि पब्लिक इशू जो आप निकालते हैं उसको मैनेज करके देना बेसिकली, ठीक है, ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। फोर्थ नंबर पे आएगा जी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी काम कर रही है, ठीक है, और आपके कुछ कॉम्पिटिटर फॉर्म्स भी थी लेकिन वो छोटी फॉर्म थी, आप पूरी मार्केट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 70% शेयर अकेला आपका था और रिमेनिंग 30% जो है उसमें से 15% किसी एक कंपनी का था, 10 किसी एक का था और 5% किसी एक का था। तो आपने सोचा कि यार एक काम करो, इसको भी अपने क्या कर लो, साथ में ले लो। तो क्या ये 15% वाली जो कंपनी है इसको साथ में मर्ज करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, ये सब फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है कौन आपका, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बोलता है इसको, इस फैसिलिटी को बोलता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। बोले तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज कंसर्न विद सच एक्टिविटी, इसमें वो सब एक्टिविटी आती है विच आर रिलेटेड विद द मर्जर, जो रिलेटेड है किससे, मर्जर, फॉर्म्स आपस में मर्ज होना, एक्विजिशन किसी एक फॉर्म को एक्वायर करना और अमलगमेशन ऑफ द कॉर्पोरेट यूनिट। द मर्चेंट बैंकर आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड।
कार्ड दिस सर्विस इंक्लूड आर, इसके अंदर जो सर्विस आती है वो क्या, नेगोशिएट करना टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द मर्जर एक्विजिशन और अमलगमेशन। कोई भी मर्जर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको क्या करते हैं आपस में बैठ के अलग अलग कंपनी के लोग आप लोगों को आपस में बिठा के और नेगोशिएट करवाते हैं ताकि कोई भी झगड़ा ना हो। लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना, ऑफिशियल अप्रूवल लेना, टैक्स मैटर हो गए एक्सेट्रा, ये सब फैसिलिटी आपको जो है वो मर्चेंट बैंकर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। बीइंग ए प्रोफेशनल एक्सपर्ट, मर्चेंट बैंकर हैज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट। अच्छा जी, तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग का फैसिलिटी जो है ये भी प्रोवाइड की जाती है बाय द मर्चेंट बैंकर, और ये कौन सी फैसिलिटी है, फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके बाद है जी आपका कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। अब कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर बेसिकली क्या आएगा कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, आपने पैसे कैसे कैसे रेस किए हुए थे उसको दोबारा से क्या करना, रीस्ट्रक्चर करना, ये फैसिलिटी भी आपको जो है ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो बोलते हैं द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग इज टू रीडिजाइन, क्या करना, रीडिजाइन करना ऑप्शन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेट यूनिट सो दैट ताकि इट कैन बी मेंटेन्ड एट द बेस्ट पॉसिबल लीस्ट कॉस्ट टू द फर्म, कि उनको बेस्ट तरीके से मेंटेन किया जा सके और लीस्ट कॉस्ट पे मेंटेन किया जा सके, इसको बोलते हैं कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग सर्विस। तो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर बेसिकली क्या आता है, आपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ था जिसमें डेट और इक्विटी था उसको दोबारा से क्या करना, रीस्ट्रक्चर करना, ये सब फैसिलिटीज इसके अंदर आती हैं। फिर है कॉर्पोरेट काउंसलिंग। कॉर्पोरेट काउंसलिंग के अंदर बेसिकली क्या कि आपको अलग अलग किन किन एरिया के अंदर जाके काम करना चाहिए, किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, किस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देना चाहिए, ये सब फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉर्पोरेट बोले तो कंपनी की काउंसलिंग करना, बोले तो दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, ये फ्री में प्रोवाइड की जाती है किसको, कॉर्पोरेट यूनिट को। इसके अंदर क्या क्या आती है, ये जो लिखा हुआ है ये सब नीचे है, क्या क्या, द कॉर्पोरेट काउंसलिंग इंक्लूड, नंबर वन मर्चेंट बैंक गाइड करता है कंपनीज को एज टू द एरिया ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि आप किस किस एरिया के अंदर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, किस किस नए एरिया के अंदर आप एंट्री मार सकते हैं, ये सब मर्चेंट बैंकर आपको जो है वो क्या करता है, सजेस्ट करता है। आफ्टर कंसीडरिंग द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड द लाइसेंसिंग पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी को ध्यान में रख के वो सब बताएगा कि आप जिस एरिया में है उसके अलावा आप किस नए एरिया के अंदर जो है वो आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। फिर मर्चेंट बैंक आपको एडवाइस करता है वेदर टू कंटिन्यू, कि क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए या डिसकंटिन्यू करना चाहिए एनी प्रोडक्ट लाइन आफ्टर मेकिंग ए डिटेल मार्केट एनालिसिस सो एज टू इवेल्युएट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, इट्स ग्रोथ और डिमांड एट प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। मर्चेंट बैंकर आपको यह भी बताता है कि क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए किसी एक प्रोडक्ट लाइन को। पहले वो क्या करेगा, पूरा मार्केट सर्वे करेगा, उसके बेस पर बताएगा कि आप जितने भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उनमें से किसको बंद करना चाहिए, किसको चलाना चाहिए, किसको एक्सपेंड करना चाहिए। और मर्चेंट बैंक ऑल्सो मेक ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द ओल्ड लाइन प्रोजेक्ट, इनका डिटेल एनालिसिस करते हैं जो आपके चल रहे हैं, एंड सिक यूनिट जो भी है बाय असेसिंग देयर रिक्वायरमेंट, स्टडी देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑब्सोलेंस। तो कोई भी अगर आपका पुराना बिजनेस चल रहा है तो उसके बारे में ये क्या करता है, चेकिंग करता है, अगर वो सिक यूनिट है तो उसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है, उसको कि दोबारा से उसमें कुछ पैसा इंजेक्ट करके उसको दोबारा से क्या बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ये सब फैसिलिटी भी आपको मर्चेंट बैंकर आपको प्रोवाइड करवाता है। आगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कई बार कंपनी के पास पैसा पड़ा होता है और कंपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही होती है तो किस सिक्योरिटी के अंदर पैसा लगाना चाहिए कंपनीज को, कोई कंपनी है उसको किस दूसरी कंपनी की किन किन सिक्योरिटीज में पैसा लगाना चाहिए, ये सब फैसिलिटी भी जो है वो मर्चेंट बैंकर आपको प्रोवाइड करता है। इस फैसिलिटी को बोलते हैं हम लोग क्या, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मर्चेंट बैंकर एडवाइस करता है अपने क्लाइंट्स को रिगार्डिंग किसके बारे में, रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि आपको कहां पे पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए, एज टू द क्वांटम ऑफ द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी एंड द टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन विच टू इन्वेस्ट, कि कितना क्वांटम बोले तो लिमिट बताएगा कि कितना पैसा लगाना चाहिए, और साथ में क्या बताएगा, एंड टाइप बताएगा कि किस सिक्योरिटी के अंदर आपको जो है पैसा लगाना चाहिए। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सर्विसेज जो है वो मर्चेंट बैंकर आपको प्रोवाइड करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्टिविटीज कंसर्न विद द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, लगाना, क्या लगाना, ऑफ द कैश रिसोर्स, अपने कैश रिसोर्स को लगाना किस में, इन टू द मार्केटेबल सिक्योरिटी टू अर्न इन द फ्यूचर, कि हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे और फ्यूचर के अंदर उसकी अर्निंग को क्या करेंगे, गेन करेंगे। इट रिलेट्स विद द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, सिलेक्शन करना एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बेस्ड अपॉन द रिस्क एंड रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर। मर्चेंट बैंकर ऑल्सो समटाइम अंडरटेक करता है द फंक्शन ऑफ द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी फॉर देयर क्लाइंट सो एज टू प्रोवाइड देम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। इन इंडिया दीज सर्विस आर पिकअप एंड गेटिंग पॉपुलर अमंग इंडियन एज वेल एज द फॉरन
इन्वेस्टर। तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, तो ये फैसिलिटी भी आपको जो है आपका मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करेगा। इस फैसिलिटी को बोलते हैं हम लोग क्या, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपके भी यहाँ पे वो आपका पोर्टफोलियो जो है वो क्या कर देगा, मैनेज कर देगा। फिर है स्टॉक ब्रोकिंग एंड द डीलरशिप। अगर आपका बैंकर या अगर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो अगर मान लो स्टॉक ब्रोकर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे वो आपको फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप जो है वो शेयर्स को सेल परचेज कर सकते हैं। तो बोलते हैं द बैंकर हु हैव रिक्विजाइट प्रोफेशनल नॉलेज, वो बैंकर जिसके पास में क्या जरूरी प्रोफेशनल नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस है, मे ऑल्सो एक्ट एज ए शेयर ब्रोकर, वो जो है वो शेयर ब्रोकर की भूमिका निभा सकता है ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड इवन एज डीलर फॉर ओवर द काउंटर ट्रेडिंग, और डीलर की भूमिका भी निभा सकता है। तो मतलब कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसके पास में जो है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज है, तो वो ब्रोकर और डीलर की भूमिका निभा सकता है। फिर जॉइंट वेंचर एब्रोड, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि बाहर की किसी कंपनी को क्या कर लें, आपस में मर्ज कर लें, तो बाहर की किसी कंपनी को मर्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस सब के लिए जो है बहुत सारे हमारे मर्चेंट बैंकर है वो हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो हमको बताते हैं कि क्या बाहर की कंपनी को जोड़ने से हमको कोई बेनिफिट होगा, साइनर्जी का गेन होगा या नहीं होगा। तो बोलते हैं बैंक्स कैन प्ले ए डिसीजिव रोल, बैंक जो है वो एक डिसीजिव रोल प्ले करता है इन एस्टेब्लिश करने में द जॉइंट वेंचर विद द फॉरेन कोलैबोरेशन, दे फैसिलिटेट इन मीटअप मीटिंग ऑफ फॉरेन पार्टनर, ये आपको सहायता प्रोवाइड करता है क्या करने में, मिलाने में फॉरेन पार्टनर को जो आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। गेट सैंक्शंस अंडर वेरियस प्रोविजन, अगर एक्ट में कोई सेंक्शन लेनी है, कोई अप्रूवल लेनी है, तो वो अप्रूवल भी दिलवाएगा। मेक टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे लीगल डॉक्यूमेंटेशन अंडर द लोकल एज वेल एज द फॉरेन लीगल प्रोविजन, तो अगर बाहर वालों के साथ में आप मिलकर काम करने की सोच रहे हैं तो बाहर वालों के साथ में सारी डीलिंग करवाना, नेगोशिएशन करवाना, ये काम भी आपका मर्चेंट बैंकर आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद टेंथ आएगा क्या, डिवेंचर ट्रस्टी, जो आपका मर्चेंट बैंकर है वो डिवेंचर ट्रस्टी की भूमिका निभाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कोई कंपनी डिवेंचर को इशू करती है, ठीक है, उसके बाद में अब कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है वो हमेशा मोर्डगेज होते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती है, तो क्या कंपनी उस सिक्योरिटी को कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, तो उसके लिए ट्रस्टी के तौर पर कई बार जो है जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या करता है, वो ट्रस्टी की भूमिका निभाता है, तो उसको बोलते हैं डिवेंचर ट्रस्टीशिप। बोले तो द मर्चेंट बैंक कैन ऑल्सो गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड टू एक्ट एज ए ट्रस्टी, दीज ट्रस्टी आर टू प्रोटेक्ट, ये ट्रस्टी काम करते हैं कंपनी के लिए नहीं, डिवेंचर होल्डर के लिए काम करते हैं, दीज ट्रस्टी आर टू प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर एज पर द टर्म्स लेड डाउन इन द ट्रस्ट डीड, जो डिवेंचर होल्डर की जो डिवेंचर ट्रस्ट डीड थी उसके अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये काम करवाते हैं। एज ट्रस्टी दे आर टू undertake redressal of grievance of the debenture holder, they are to ensure that refund money are paid and debenture certificate are dispatched in accordance with the company act, they charge fees for such service, aur agar jab wo debenture ट्रस्टी की भूमिका निभाते हैं तो उसके बदले में कुछ फीस भी वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अ लीज फाइनेंसिंग, बहुत सारे मर्चेंट बैंक जो है वो क्या, वो प्रोवाइड करते हैं लीजिंग और फाइनेंशियल फैसिलिटी अपने कस्टमर को। मर्चेंट बैंकर असिस्ट करता है देयर क्लाइंट बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंस फॉर द एक्विजिशन ऑफ द एसेट टेकन ऑन द लीज, तो ये सब लीजिंग फैसिलिटी जो है ये भी प्रोवाइड करवाता है, कौन है आपको, आपका मर्चेंट बैंकर। भाई कहाँ से आपको, मतलब आपको पैसा प्रोवाइड करवाएगा जिसके बेस पर आप जो है वो लीज के ऊपर किसी एसेट को क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। तो ये सब फैसिलिटीज जो है वो क्या करेगा, आपसे कुछ फीस लेगा, कुछ कमीशन लेगा या कुछ ब्रोकरेज लेगा, और ये लेकर के इसके बदले में आपको वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये सब है हमारी फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके हाँ जी, लो जी फी बेस्ड हो गया, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कौन सी हमारी फंड बेस्ड वाली, तो इतना कीजिए, बाकी का करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। ओके हाँ जी, और अगर आप लोग जो है वो दिसंबर 2020 के तो जो एंटीनेट का पेपर होना उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं सारे के सारे वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर है, इसी तरीके से का पेपर वन एज वेल एज पेपर नंबर टू दोनों का, प्लस आपको मिलेगा सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, तो अगर आप चाहें तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। ओके हाँ जी, डेमो के लेक्चर हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि कितने बेटर वे के अंदर हम लोग जो तैयारी करवाते हैं। ओके हाँ जी, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।